हेलो एवरीवन, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या सेल्की के बारे में या तो फिर पेट्रोलॉजी के बारे में। सेल्की क्या होता है, पेट्रोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। नॉर्मल इसका परिचय, इंट्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रकार के सेल आते हैं, उनका विशेषता क्या है, ये सारी चीज़। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्या, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, ठीक। और हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, सेल्की। सेल्की या पेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मेनली शैलों का, रॉक्स का, शैल का। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी या सेल्की के अंतर्गत हम लोग ये मेनली इतना याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो, कि हम लोग सेल्की या तो फिर पेट्रोलॉजी में विभिन्न प्रकार के शैलों का अध्ययन करते हैं। तो अब ये विभिन्न प्रकार के शैल कौन कौन से हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो जो ये हमारा जो पेट्रोलॉजी है, सेल्की है, तो इसमें हमारे कुछ जो शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहला चीज तो परिभाषा देख लेते हैं, रॉक या शैल की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो ये रॉक या तो शैल होता है हमारा क्या, एग्रीगेट, सॉलिड एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कोई मैग्मा है, लावा है, तो जब उसमें हमारा क्या रहता है, बहुत सारे खनिज रहते हैं। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मैग्मा है, तो उसमें हमारा क्या होता है, बहुत से प्रकार के मिनरल्स रहते हैं। जैसे कि चलो इससे भी पहले मैं मैग्मा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, मैग्मा एंड लावा। ये आप लोग के बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है मैग्मा, सबसे शुरू में तो ये जो हमारा मैग्मा ही रहता है, इसी से हमारा क्या बनता है, लावा का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है वो देख लीजिए। तो मैग्मा क्या होता है हमारा और लावा क्या होता है, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना है मैग्मा के बारे में कि मैग्मा क्या होता है। ठीक, तो मैग्मा क्या होता है हमारा, एक प्राकृतिक द्रव होता है, नेचुरल फ्लूइड होता है, जो कि क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा गर्म होता है, जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज के घोल उपस्थित रहते हैं, विभिन्न प्रकार के गैसें उपस्थित रहती हैं। ये क्या होता है हमारा, हॉट लिक्विड होता है। ठीक, नेचुरल होता है। ठीक, मैग्मा क्या होता है हमारा, एक प्राकृतिक गर्म द्रव पदार्थ है या तो लिक्विड है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, गैसें रहती है, गैसेस रहते हैं, उसके बाद में वाटर रहता है, वेपर रहते हैं। ठीक, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहते हैं, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स। ठीक, तो इतने चीजों से मिलकर के बना होता है हम लोग का क्या, और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि छोटे बहुत क्या रॉक के फ्रेगमेंट्स रहेंगे। ठीक, छोटे छोटे जो पुराने जो सेल बन जाएंगे, तो उनके छोटे छोटे क्या रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे। और क्या रह सकते हैं इसमें, विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ रहेंगे जो हमारे मैग्मा से ही बनेंगे वो सब। तो इसमें हम लोग नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मैग्मा होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक क्या है, गर्म द्रव पदार्थ होता है, जिसमें कि हमारा अलग अलग मात्रा में हमारा क्या रहता है, गैस उपस्थित रहता है। ये गैस में भी आप लोग का बहुत सारा गैस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, H2, मतलब बहुत सारे। ठीक, ऑक्सीजन हो सकता है, बहुत सारा कुछ भी गैस हो सकता है इसमें। ठीक है, तो और साथ में क्या हो सकता है, उसमें पानी कुछ मात्रा में उपस्थित रह सकता है, और साथ में क्या रह सकता है इसमें, कुछ मात्रा में हमारा भाप उपस्थित रहता है। ठीक, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा मात्रा में क्या उपस्थित रहता है इसके अलावा, हमारा मिनरल या तो खनिज। ठीक, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और साथ में छोटे छोटे जो पुराने रॉक रहते हैं उनके पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों से मिलकर के बनता है हम लोग का क्या, मैग्मा। ठीक, तो मैग्मा ये हो गया हमारा। ये मैग्मा कहाँ पाया जाएगा, हमेशा अर्थ क्रस्ट के नीचे, हमारे भूपर पट्टी के नीचे, हमारा जो पृथ्वी है उसकी गहराई में पाया जाता है।
अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, ठीक है, मतलब कि गहराई में पाया जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ क्या होता है, गहराई में पाए जाने के कारण में अब यहाँ से हमारा जो द्रव रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक, तो ये हमारा क्या है, मैग्मा है। अब इसी मैग्मा में क्या हम लोग का गैस है, वाटर वेपर है, मिनरल्स है, ठीक। तो अब देखो ये जो गैस है इसका नेचर क्या होता है, ये ऊपर की ओर जैसे इसको जगह मिलता है ये क्या हो जाता है, स्केप कर जाता है। लेकिन हमारा यहाँ क्या है, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या ऐसे गैसों को स्केप करने के लिए जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक। तो हम लोग नॉर्मली परिभाषा में क्या बता सकते हैं मैग्मा के बारे में, कि मैग्मा जो है एक प्राकृतिक गर्म द्रव होता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की गैसें, पानी, भाप और विभिन्न प्रकार के खनिज और क्या होते हैं, रॉक के पार्टिकल्स मिले होते हैं, ठीक है, जो कि हमें कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, नीचे मिलता है, ठीक। ये हमारा अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं मिलता है, ये हमेशा कहाँ मिलता है, पृथ्वी के अंदर मिलता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, हमारा मैग्मा कहा जाता है। और ये जो मैग्मा है हमारा, इसका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, ये याद रखना। तो जो हमारा मैग्मा है इसका कोई भी निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। किसी मैग्मा में कुछ चीज ज्यादा हो जाता है, जैसे कि किसी में मिनरल की मात्रा ज्यादा रहेगी तो गैस की मात्रा कम रहेगी, किसी में गैस की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी और विभिन्न प्रकार के खनिजों की अलग अलग क्वांटिटी रहेगी। तो हम लोग का ये जो मैग्मा है इसका कोई डेफिनेट या तो फिक्स कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, इसका कोई भी रासायनिक संगठन हम लोग यही होता है करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। एक अप्रोक्स जनरल हमारे पास है जिसको कि आगे हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यह नॉर्मली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब इसका डिटेल में पढ़ेंगे मैग्मा के बारे में तो इसका और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैग्मा के बारे में, अब देखते हैं लावा, ठीक। तो यही जब मैग्मा हमारा क्या होता है, ये हमारा मान के चलिए पृथ्वी का क्रस्ट है, ठीक, ये यहाँ हम लोग रहते हैं, ये हमारा क्या हो गया पृथ्वी का क्रस्ट, और इसके नीचे में जस्ट था क्या हमारा मैग्मा। अब ये जब मैग्मा, ठीक है, किसी कारण से जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया से या तो फिर किसी अन्य कारण से हम लोग का अर्थ क्रस्ट पे आ जाता है, यहाँ ऊपर में सरफेस में, ठीक है। तो सरफेस में आ जाने के कारण में अब क्या होता है, इसमें जो गैसें हैं, वाटर वेपर है, तो ये सब क्या होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में स्केप करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है हम लोग का क्या, लावा, ठीक। तो लावा और मैग्मा में अंतर क्या हो गया, सबसे पहला तो इसमें जो अवशिष्ट जो गैसें रहेंगी, हमारा जो लावा रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, कम रहेगा या तो बिल्कुल ही ना के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया पहला अंतर कि इसमें जो हमारा गैस है, वाटर वेपर है, ये सब हमारा बहुत कम मिलेगा, ठीक, या तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या हो सकता है आप लोग का मैग्मा और लावा में, कि इसके मिलने के आधार पर कि हम सॉरी तो इसके मिलने के आधार पर जो हमारा मैग्मा है हमेशा अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलेगा और जो लावा है हमारा अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलेगा। तो लावा और मैग्मा में यहाँ अंतर क्या हो गया आप लोग का, सीधे सीधे बताना। जो मैग्मा है हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है या नीचे पाया जाता है, ठीक, इसमें विभिन्न प्रकार के गैसें, मतलब या तो आप लोग ऊपर से शुरू करो या तो नीचे से शुरू करो, ठीक है। तो मैग्मा हमारा क्या होता है कि एक प्राकृतिक द्रव होता है जो कि बहुत ज्यादा गर्म होता है और ये हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है, और इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गैस, वाटर वेपर, मिनरल, ये सब मिले रहते हैं, और इसमें हमारा जो अवशिष्ट गैसें हैं और वाटर वेपर है इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गया नॉर्मल आप लोग का मैग्मा के बारे में, लावा के बारे में, कि लावा हमारा जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है और इसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें क्या हो जाती है, निकल जाती हैं, तो इसे ही कहा जाता है क्या, लावा, ठीक है। तो ये जो लावा है हमेशा हम लोगों को क्या मिलेगा, अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलेगा, हमारा कहाँ मिलेगा, अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, लावा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का नॉर्मल लावा और मैग्मा के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि इसी जो मैग्मा है, ये जो हमारा मैग्मा है, तब इसी से हमारा क्या बनता है, विभिन्न प्रकार के रॉक्स बनते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग रॉक के बारे में थोड़ा सा, कि रॉक क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में, ठीक है। तो